फरुखाबाद में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मेधावी छात्र को मिला चेक बाउंस हो गया। आपको बता दें कि मेधावी छात्र को खुद सीएम योगी ने लखनऊ में सम्मान करते हुए 21,000 रुपए के चेक के साथ मेडल और टैबलेट दिया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि सीएम योगी द्वारा दिया गया मेधावी छात्र को चेक बाउंस हो गया। आपको बता दें कि 1 सितंबर को राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने इंटर के 6 और हाईस्कूल के 5 मेधावियों को सम्मानित किया था। सम्मान समारोह में फरुखाबाद के मेधावियों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से 21,000 रुपए के चेक, मेडल और टैबलेट दिया था, लेकिन अब वही चेक बाउंस हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने मेधावी छात्र समारोह लखनऊ में रखा था, वहाँ सम्मानित किया गया जी। उन्होंने एक टैबलेट जनपद में टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल में इंटरमीडिएट छात्रों को एक टैबलेट और 21,000 रुपए का चेक दिया था जी, तथा एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जी। तो जो आपको जो वहाँ से सम्मानित किया गया था, उसके अलावा और भी कुछ दिया गया था क्या आपको? जी बस ये दिया गया था। अच्छा, आपको एक चेक दी गई थी जी जी, क्या उस चेक का मामला पूरा क्या है सर? वो मैंने चेक जब वहाँ से आए उसके बाद 4 तारीख को मैंने बैंक में लगा दी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा खाता है, उसी में मैंने लगा दी चेक जी। फिर उसके 5 दिन बाद मैंने देखी, जैसे आज 9 तारीख है, मैंने आज ही देखी थी चेक जी। आज मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि वो चेक आपकी कैंसिल हो चुकी है। क्यों, क्या वजह है उसकी? उन्होंने बताया कि उस पर साइन नहीं ठीक है। किसके साइन नहीं है? DIOS ऑफिस के। अच्छा, चेक पे दिनांक कब का पड़ा हुआ था? दिनांक सर पड़ा था 3/8/2019 का जी। आपको चेक कब प्राप्त कराएगी सर? 1/9/2019 को चेक वहीं लखनऊ में दी गई थी योगी की। किन्ने दी थी आपको चेक सर? वही DIOS के कार्यकर्ताओं। नहीं, आपको फरुखाबाद से चेक प्राप्त हुई या वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में? सर वहीं कार्यक्रम में ही प्राप्त हुई थी, लेकिन दी इन लोगों ने। आपने DIOS के कार्यकर्ताओं, आपने जो चेक थी वो कब बैंक में आप कब लेके गए? जी सर, बैंक में आप वो चेक कब लेके गए थे? 4 तारीख को लेके गए थे, 4/9/2019। मेधावी छात्र के पिता ने बताया कि सीएम द्वारा मिले चेक पर सही साइन नहीं होने की वजह से चेक बाउंस कर दिया गया और बच्चे को फाइन भी लगा है। जो है एक टेबलेट दिया गया जी, एक वहाँ चेक मुहैया कराई गई जी, और जब वो चेक बैंक में बच्चा ले गया तो वो चेक बाउंस कर दी गई, उसमें फर्जी भाड़ा दिखाया गया, उसमें दस्तखत नहीं बताए गए। किसके दस्तखत नहीं है उसमें? वो उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की दस्तखत नहीं है उसमें जी। हाँ, मतलब जो भी है उसमें जो है उस पे फाइन भी पड़ गई बच्चे के ऊपर। तो मतलब फरुखाबाद मेधावी छात्र को मिले चेक बाउंस होने के बाद शिक्षा विभाग और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मेधावी छात्र को मिला चेक बाउंस हुआ हो। पिछले साल भी कई मेधावी छात्रों के चेक बाउंस होने के कई मामले सामने आए थे, बावजूद इसके शासन और प्रशासन ने इन मामलों से कोई सबक नहीं लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।